sakalaru samba baba baba. Leri samba boru salaba baba re sakara di samba baba. फिराओ अपने पापों से अपने मन को फिराओ, क्योंकि हर एक मनुष्य उसके मन में क्या है वो जानता है। इसलिए यीशु मसीह ने आकर लोगों का मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है, क्योंकि वो आज से 2000 साल पहले अपने सब काम कर चुका है, आपको स्वर्ग की पृथ्वी की सब आत्मिक आशीषें दे चुका है, वो आपको हील कर चुका है, अब शैतान का बीमारियों का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। बाइबल बताती है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके, पर जब तक आप अपने मन को फिराओगे नहीं, उसके लिए जीने के लिए वैसा नहीं अपने आप को बनाओगे, तो तब तक उसका आत्मा आपको छुएगा नहीं। पर आज अपने मन को फिराओ, फिराओ, फिराओ और विश्वास करो, विश्वास करो परमेश्वर की बातों पर, जिसने आपके लिए क्रूस पर इतना दुख उठाया, उसने इतनी जिल्लत को सहा, उसने कांटों का ताज अपने सिर पर सजाया, उसने अपने हाथों में की लिए, उसने पीठ पर कोड़ों की मार खाई। लिखा ये सब कुछ हमारे ही दुखों के कारण उस पर ताड़ना पड़े। विश्वास करो, विश्वास करो, अगर किसी के पथरी है, किसी के रसौली है, विश्वास करो, विश्वास करो। आज आपकी पथरी, आपकी रसौली, आपकी बिल्ट गिल्टी, आपका सर्वाइकल जाने वाला यीशु मसीह के नाम से, मैंने कहा जाने वाला है। पेट के रोग, पेट की इंफेक्शन, लीवर का रोग, ब्लड कैंसर, ब्लड में इंफेक्शन, बॉडी के में जो इन्फेक्शन है, खून की इन्फेक्शन से परमेश्वर आपको चंगा करने वाला है, वो हील करने वाला है। विश्वास करो, विश्वास करो, क्योंकि बाइबल बताती है कि यहां से 2000 साल पहले उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। पर बात है कि जब तक आप अपने मन को फिराओगे नहीं, फिराओ अपने पापों से मन को, क्योंकि वो आपके पाप क्षमा कर चुका है। अब आप पापी नहीं, आप धर्मी हो। लिखा धर्मी पर चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, उनसे वो सबसे छुड़ाएगा। धर्मी 7 बार गिरेगा और परमेश्वर 7 बार उठाएगा। इसलिए विश्वास करो, विश्वास करो, शैतान का, बीमारी का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जो पैरालाइज के मरीज हैं, जिनके अंग नहीं चलते, परमेश्वर उन्हें चलाएगा। उसने कहा मेरे परमेश्वर ने मेरा इसलिए अभिषेक किया कि मैं अंधों को दृष्टि पाने का, कुचले हुए छुड़ाने का, जो बंधनों में, उसने कहा मैंने मेरा इसलिए उसने अभिषेक किया, मुझे उसने मेरे परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि मैं उन्हें छुड़ाऊं, मैं उन्हें हील करूं, मैं उन्हें चंगा करूं। आज पैरालाइज के जो मरीज हैं, जो वो चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा वो चंगे होंगे, बंद जमाने खुलेंगी यीशु मसीह के नाम से, आंखों में रोशनी आएगी, अंधेरापन जो आंखों में वो चला जाएगा, कान खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जिन्हें कानों से सुनता नहीं, मैं कहता हूं आज से उन्हें सुनना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से, उन्हें सुनना शुरू हो जाए। जिन घरों में कलेश है, वो कलेश की दुष्ट आत्माएं उनके घरों से चले जाए। जिनके घरों में नशे की दुष्ट आत्माएं काम करती है, वो नशे की दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से चली जाएं। वो नशे की दुष्ट आत्माएं, मैंने कहा वो नशे की दुष्ट आत्माएं चली जाएं, चली जाएं, चली जाएं आपकी, आपके घराने से, आपकी फैमिली से, आपके परिवार से, आपके सोच से। जिन्हें गंदे सपने आते हैं, जो रात समय सोते समय जिन्हें गंदे सपने आते हैं, राइट नाउ इसी समय यीशु के नाम से वो गंदे सपने देने वाली दुष्ट आत्मा आपके जीवन से चली जाए, चली जाए। मैंने कहा चली जाए यीशु के नाम से, चली जाए, चली जाए। हार्ट के रोगी चंगे हो जाए, हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाए, रीढ़ की हड्डी के मन के जो दबे जिनमें गैप आ चुका वो अच्छे हो जाए, बैक पेन का दर्द चला जाए, चूलों का दर्द चला जाए, स्पाइनल क्लोड
जो खराब है वो अच्छी हो जाए, घुटनों का रोग चला जाए, घुटनों का रोग चला जाए। मैंने कहा घुटनों का रोग चला जाए, जो काले पीलिए के मरीज हैं वो अच्छे हो जाए, बाबा सिर के रोगी अच्छे हो जाए, कैंठिए की बीमारी चली जाए, यीशु मसीह के नाम से कैंठिया चला जाए, कैंठिया चला जाए यीशु मसीह के नाम से, आप हील हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, हर तरह की बीमारी आपको छोड़कर चली जाए, हर तरह की बीमारी आपके जीवन से निकल जाए, आप हील हो जाओ, आज आप अच्छे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, मैंने कहा चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। जिन्हें बुद्धि नहीं है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, जिन्हें परमेश्वर की बातें समझ नहीं आती, बाइबल में लिखा वो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाने हर एक को अपनी बुद्धि देता है। मांगो खुदा से कि परमेश्वर मुझे अपनी बुद्धि दे, मुझे अपनी समझ दे। जिन्हें गुस्सा आता है वो कहो कि परमेश्वर मेरा गुस्सा तेरे नाम से दूर हो जाए, कहो कहो, क्योंकि उसके कहने से और विश्वास करने से सब होगा। जिनका मन चिड़चिड़ा है, जिनका मन चिड़चिड़ा है, वो कहो परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर चिड़चिड़े मन से नहीं, वो दीन मन से प्रसन्न होता है, वो एक नम्र व्यक्ति के ऊपर अपनी निगाह टिकाकर रखता है। जो लिखा उसके वचन को सुनकर थर थराता है, उसने कहा मैं उस पर अपनी नजर रखूंगा। इसलिए फिराओ अपने मन को आज और विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। जितने टाइफाइड के रोगी हैं, टाइफाइड उनका चला जाए, चला जाए। जिन्हें खाया पिया पचता नहीं, जिनकी बॉडी में वीकनेस है, खून की कमी है, मेदे में खराबी है, खाया पिया पचता नहीं, जिनके कैस्ट्रोल बनता है, एसिड बनता है पेट, वो अच्छे हो जाए, अच्छे हो जाए। जो जूरी कैस्ट के मरीज हैं वो ही हो जाए, उनका जूरी कैस्ट चला जाए। थायराइड के रोगी हील हो जाए, थायराइड चला जाए। शुगर के मरीज अच्छे हो जाए, मैंने कहा शुगर के मरीज अच्छे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके घरों में आशीष आए, आपके घरों में आशीष आए। जिनके बिजनेस बंद है वो यीशु के नाम से खुले, आपके कारोबार खुल जाए। जिनके ऊपर कर्ज है उनके कर्ज उतर जाए, मैंने कहा उनके कर्ज उतर जाए, उनके हर तरह की जो कर्ज है उनसे उतर जाए, आपका फाइनेंस ब्लेस हो जाए। जिन घरों में गरीबी है, जिन घरों में गरीबी है, वो गरीबी चली जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि बाइबल बताती है जो हमारे ही कारण कंगाल बना के तुम धनी हो जाओ। इसलिए विश्वास करो, जो आपके लिए मारा गया, खाटा गया और तीसरे दिन बाइबल बताती है मुर्दों में से जी उठा। इसलिए विश्वास करो, विश्वास करो। जिनके बच्चे आज्ञाकार नहीं है, जिनके बच्चे आज्ञाकार नहीं है, वो आज से आज्ञाकार हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे आज्ञाकार हो जाए। जिन जो किराए पे लोग हैं, जिनके पास अपने घर नहीं है, उनके अपने घर हो जाए, उनके घर अपने हो जाए। जिनके पास बेबी नहीं है, बच्चे की ब्लेसिंग नहीं, आज से उन्हें बेबी की ब्लेसिंग मिल जाए। जिनके बच्चे की शादियां नहीं हो रही, एक अच्छा वर चाहते हैं, वो यीशु मसीह के नाम से वो वर, वो अच्छा रिश्ता परमेश्वर तेरी और से उनकी जिंदगी से आए। यस माय लॉर्ड, कोई अंधकार की शक्तियां इनके आत्मिक जीवन में काम न करे। खुदावंद मैं तेरे नाम से, तेरे प्रेम में इन्हें स्थिर करता हूं, इनके मन को मैं शुद्ध करता हूं। कोई शैतानी आत्माएं इनकी जिंदगी में काम न करें। खुदावंद आज से तेरी ग्रेस इनके ऊपर बढ़ जाए, तेरी ग्रेस इनके ऊपर बढ़ जाए। ये तेरे साथ जीने मरने वाले बन जाएं, तुझे प्रेम करने वाले बन जाएं, तेरा भय मानने वाले बन जाएं, तेरी हर आज्ञा पर चलने वाले बन जाएं। यस खुदावंद, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, क्या तू इनके लिए सब कुछ कर चुका, तू सब कुछ कर चुका। गुप्त रोग के जो रोगी, उनके गुप्त रोग चले जाए,
जिनके झूठ रस में बरसा दे, झूठ रस के रोग हैं वो खत्म हो जाएं, सब तरह के रोग, बच्चे दाने की कमजोरी, बच्चे दाने की जो झूठ रस की जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो पूरी तरह से चली जाए। आपकी जो बेबी ट्यूब्स है उनमें अगर कोई इंफेक्शन है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई वीकनेस है, यीशु के नाम से सही हो जाए। आंखों का अंधापन, आंखों में जो कम रोशनी है वो यीशु के नाम से पूरी हो जाए, यीशु के नाम से पूरी हो जाए, यीशु के नाम से पूरी हो जाए। मैंने कहा यीशु के नाम से पूरी हो जाए। यस यस, और ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए आज ही से। परमेश्वर इनके लिए सब कुछ जो इन्होंने आज तुझसे मांगा और विश्वास किया तेरे जीवित नाम से हो जाए। आमीन आमीन आमीन। और जो मैंने अभी प्रार्थना की है, मैंने कहा जो मैंने अभी प्रार्थना की है, तीन दिन के अंदर, कितने अभी जो मैंने प्रार्थना की है, 3 दिन के अंदर आपकी गवाहियां बनेंगी। पर सुनो, सबसे पहले अपने अपने मन को फिराना, अपने पापों से मन को फिराना, फिर रोज रोज जो काम आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने पूरा कर दिया, आज से 2000 साल पहले जो काम परमेश्वर ने पूरा कर दिया, अपने रोज धन्यवाद, रोज धन्यवाद करना है, मन नहीं खराब करना। कितनों लोगों का मन खराब हो जाता है और वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। इसलिए 3 दिन में आपकी गवाहियां बनेंगी। सबसे पहले अपने अपने मन को फिराना है, अपने आप को स्थिर करना है परमेश्वर के प्रेम में, और रोज रोज धन्यवाद करने के परमेश्वर आप में लेकर चुके। उठते बैठते क्या करो, जैसे प्राणी मूसा की व्यवस्था में, ये थोड़ा कम रखो, मूसा की व्यवस्था में ऐसे परमेश्वर ने ऐसे वचन दिया कि उठते लेटते बैठते खाते पीते तुम किसके वचन को याद करना। अभी रोज रोज धन्यवाद करो, खाते भी। मैंने ऐसे काम परमेश्वर से करा लिए, नहाते नहाते शीशे के सामने ब्रश कर रहा हूं और परमेश्वर से बात कर रहा हूं, ब्रश करते कि परमेश्वर ये चीज कर दो, और ब्रश करने के बाद थोड़े बाद हो गया। आप क्या समझते हैं परमेश्वर सच्चा नहीं? ऐसे भी नहाते 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 कई बार मैं बाइबल पढ़ता हूं और बाइबल पढ़ते पढ़ते परमेश्वर से बात करने लगता हूं और परमेश्वर काम करते थे। और आपने भी इस चाहत में लगे रहना और पड़े देखना, 3 दिन के अंदर आपके गवाहियां बनेंगी। मैंने कहा 3 दिन के अंदर आपकी गवाहियां बनेंगी यीशु मसीह के नाम से। आमेन हालेलुया हालेलुया।